अस्पताल में मैं जब गया था अभी कोलकाता में किसी बात के लिए तो किसी ने पूछा मुझसे कि आप क्या सरकार को फासिस्ट मानते हैं क्या फासिस्ट सरकार मानते हैं तो मेरा जवाब ये था कि मुझे नहीं पता ये फासिस्ट सरकार है या नहीं है मैं बल्कि इतना पर मुझे पता है कि बहुत ही बेवकूफ सरकार है फासिस्ट को नहीं मानता हूं मैं क्योंकि फासिस्ट के पीछे बहुत डिजाइन होती है बहुत सोचना पड़ता है मुझे नहीं लगता इनकी उतना क्षमता है और सरकार में रहते हुए मैं ये चीज समझा इसलिए मैं कह रहा हूं ये पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है फासिस्ट हो इनके पीछे जो संस्था है वो हो सकता है फासिस्ट हो पर सरकार तो बिल्कुल बेवकूफ है और उतना ही अगर ये समझिए एक बेवकूफ है पर उनके पास ताकत है तो ऐसे हट्टा कट्टा इंसान जो बेवकूफ है वो बहुत नुकसान कर सकता है और वही हो रहा है देश के साथ क्योंकि वो हट्टा कट्टा इंसान है वो चारों तरफ इधर जा रहा है इधर चार चीजें गिरा रहा है उधर चार चीजें गिरा रहा है और उसको बोला जा रहा है ये करो तो वही करेगा उसको जो बोलता है वही करता है क्योंकि वो सोचने का समझने का उसका कैपेसिटी नहीं है और जो सोच समझ के उनको बताने वाले हैं उनको वो उसने चुप करा दिया है बोला कि तुम कुछ नहीं बोलोगे तो ऐसे एक इंसान से हम कैसे लड़ते हैं 10-15 लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि बेटा शांत हो जाओ सब लोग मिलके उसको पकड़ते हैं एक जगह बिठाने का कोशिश करता है या कुछ सेडेटिव दे देते हैं कि बैठ जाए कुछ दवाई दे देते हैं कि बैठ जाए तो मुझे लगता है कि इनको इतना बड़ा एक वो देने की जरूरत नहीं है एक बेवकूफ की तरह समझ के हम इस बात को लड़ेंगे और बेवकूफ के जैसे समझाना है इनको समझाना पड़ेगा हर एक बात को छोटी छोटी बातों को समझाना पड़ेगा क्योंकि वो 1947 में जो जो एजेंडा थे जो वो नहीं कर पाए वही एजेंडा के लिस्ट लेके बैठे हैं और लगता है कि 2019 में वही करना है वो समझ नहीं पा रहे कि 70 साल हो चुका है तो वो बेवकूफी की नहीं है तो क्या है वो अगर 70 साल पुराने एजेंडा लेके 70 साल की बात कर रहे हैं वही चीज करना है करके तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली बात है और सवाल बहुत ऐसे पूछते हैं अगर आपसे मैं पूछूंगा अभी कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए चाहिए तो लेके आया नोटबंदी आप सबने बोला हाँ और उन्होंने सुना पर थे बेवकूफ तो किया क्या नोटबंदी कालाधन मिटा नहीं पर आपके जो घर पे पैसा था वो कालाधन समझ के वो लेके चला गया हो गया तो ये अभी ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे घुसपैठियों को बाहर निकाल देना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए आप बोलेंगे हाँ घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए निकालना चाहिए अभी उसके लिए करके आ रहे क्या NRC घुसपैठी बाहर नहीं जाएंगे आप जरूर जाएंगे जैसे ही नोटबंदी लेके आया क्योंकि सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो नहीं है समझदारी नहीं है तो आपसे एक चीज पूछते हैं आपने कभी पलट के ये बात नहीं पूछा कालाधन होता क्या है अगर आपने ये सवाल पूछ लिया होता कि कालाधन होता क्या है तो आपको समझ में आता है कि आपने जो 10 रुपए आपने या जो रिक्शा चलाते हुए आपने 10 रुपया लिया रेडी में रखते हुए आपने 100 रुपया लिया छोटे दुकानदारी जो 1000 रुपए रखे या फिर आपने अपने छुपा के मतलब घर में 10,000 रुपए इकट्ठा करके जो घर पे रखे थे वो सारा कालाधन था आपने अगर कभी पूछ लिया होता कालाधन क्या है मिटाना चाहिए नहीं मिटाना चाहिए हाँ चिल्लाने से पहले अगर आप पूछ लिया होता कि कालाधन होता क्या है तो आपको जवाब मिलता भाई ये भी तो कालाधन है जो ये कह रहे हैं आपको लगा जो स्विट्जरलैंड में रखा हुआ है वही कालाधन है इसलिए आपने बोला हाँ और वो भी ऐसे ही सोचा इसलिए लेके आया नोटबंदी पर पूरे देश को नुकसान हो गया तो इसलिए मैं दूसरी सवाल वापस पूछ रहा हूं घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए घुसपैठी कौन है तो हर सवाल का हाँ या ना में जवाब देना जरूरी नहीं है उल्टा सवाल पूछ सकते हैं अगर आपसे ये पूछते हैं आप गांव में जाके लोग पूछेंगे आपसे कि घुसपैठियों को तुम ये कह रहे हो कि घुसपैठी को बाहर नहीं निकालना चाहिए तो उनसे पूछना कि घुसपैठी है कौन और सरकार कैसे तय करेंगे कि कौन घुसपैठी है और कौन नहीं है सरकार कैसे तय करेंगे
कैसे तय करेंगे कि कौन घुसपैठी है कौन नहीं है। मान लीजिए सरकार को आज इसी में बैठे हुए लोगों को डिसाइड करना है कि कितने लोग घुसपैठिया है और कितने लोग इसी देश की इसी मिट्टी का रह रहे हैं इसी का भारतीय है, कैसे तय करेंगे बताइए। पंचायत में सर्वे करेंगे, पूछेंगे कि ये गांव में कितना लोग है और किसके पास घुसपैठी है किसके पास नहीं है, वही का लोग तय कर सकते। बात ये है कि सरकार इतना समझदार नहीं है। अगर ये होता तो हमें बहुत अच्छा लगता, पर सरकार ये सरकार कोई भी चीज कागज पे करती है, तो घुसपैठी कौन है या नहीं है वो कागज पे, आपके पास अगर कागज है तो आप भारतीय है, अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप भारतीय नहीं है, ठीक है। तो घुसपैठी कौन है, जिसके पास कागज नहीं है। तो मैं वापस वही सवाल पूछता हूँ, ऐसे लोग जिनके पास कागज नहीं है क्या उनको बाहर भेज देना चाहिए कि नहीं भेज देना चाहिए? सवाल तो एक ही था, पहले तो आपने हाँ बोला, क्योंकि आप समझे नहीं। जब ये सवाल आपसे पूछ रहे थे कि घुसपैठियों को बाहर निकाल देना चाहिए कि नहीं निकाल देना चाहिए, आपने ये सवाल उल्टा पूछा नहीं कि घुसपैठी होता कौन है। जैसे आपको ये समझ में आया कि ये कागज के ऊपर तय करने वाले हैं, तो आपको समझ में आया कि ये तो मेरे ऊपर भी है, और ऐसे कागज जो 50-50 साल पुराने। तो मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ, क्या ऐसे लोग जिनके पास 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स कागज नहीं है क्या उनको बाहर भारत से बाहर फेंक देना चाहिए? क्लियर है, ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज पे ये क्योंकि बेवकूफ है, क्योंकि उनकी लेवल की कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है, सबसे नीचे के लेवल पे ऐसे ही पूछते हैं, ये मैं आतंकवाद मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? मिटाना चाहिए। अच्छी बात है, आप पूछ रहे हैं क्यों है आतंकवाद, हमेशा कौन जरूरी नहीं है पूछना, पर क्यों है ये भी पूछना जरूरी है। हर एक चीज पे काला धन होता कौन है, होता क्या है, घुसपैठी होता कौन है, आतंकवाद क्यों होती है, ये सवाल वापस पूछना जरूरी है। जैसे ही आप ये सवाल उल्टा पूछेंगे तो ये जो आपको बहला के जो डिसीजन लेते हैं ना, जो बेवकूफी वाले डिसीजन जो निर्णय लिया जाता है वो खत्म होगी। आतंकवाद मिटाने के लिए कितने सारे डिसीजन लिया गया, नोटबंदी हुआ उसके बाद 370 हटाया, उसके बालाकोट में किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम सबने मिठाई खाया, उसके बाद अल्टीमेटली अभी भी आतंकवाद मिटा नहीं, अभी भी पिछले हफ्ते आतंकवाद से हमले हुए और डेथ हुई। तो ये मेरी आपसे इतनी विनती है, इनको उस जितना क्रेडिट देना है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा क्रेडिट मत दीजिए। ये एक बेवकूफ सरकार है, एक नालायक सरकार है, जिनसे ना कोई काम होता है ना समझदारी है। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे नालायक सरकार से देश को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे सरकार से देश को बचाना। तो सवाल पूछते पूछते उनको समझदारी समझ सिखाना पड़ेगा। कोई भी ये सवाल लेके आते हैं आप उल्टा सवाल जरूर पूछिए, और इसी में आप ये पंडाल अगर आप बनाते हैं, अभी ये शादी का शामियाना समझ लीजिए, मेरा टाइम शायद एक मिनट बचा है, तो ये शामियाना कोई भी पंडाल बनाते हैं तो हम हाथ में एक एक डालते हैं ऐसे नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको गाड़ने के बाद, गाड़ने के बाद क्या करते हैं उससे पहले जैसे गाड़ दिया उसके बाद मजबूत करके उसके न्यूज़ को मजबूत करके हम हिले नहीं तो क्या करके हम जोर से एक बार उसको हिला के देखते हैं कि वो मजबूत है कि नहीं। हम जैसे गाड़ते हैं उसके बाद एक बार ऐसे चेक करके देखते हैं कि वो कोई भी चीज करते हैं, हम गाड़ने के बाद तुरंत चेक करके देखते हैं, वो इसलिए नहीं हिला के देखते कि हम उसको गिराना चाहते हैं, हम इसलिए चेक करते हैं, इसलिए हिला के उसको देखते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मजबूत है कि नहीं। एक लोकतंत्र में सवाल उसी की बराबरी का है। लोकतंत्र में हम सवाल इसलिए पूछते हैं सरकार को गिराने चाहते हैं, लोकतंत्र में हम सवाल इसलिए पूछते हैं कि वो निर्णय मजबूत है कि नहीं ये देखना चाहते हैं, और अगर हम नहीं पूछते हैं तो शादी के टाइम पे शामियाना गिर जाएगी और हम सब मर जाएंगे। धन्यवाद।